दोस्तों, पूरी कंट्री में जगह जगह NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी PFI के अड्डों पर, ठिकानों पर छापा मार रही है। PFI क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक रेडिकल, हम इसे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि ये कट्टरवादी संगठन है दोस्तों, इस पे NIA ने जगह जगह छापे मारे। उसका रीज़न ये है कि बताया जा रहा है कि PFI के आतंकवादियों से इनके संबंध हैं और ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। NIA के इसी रेड के अगेंस्ट PFI ने कई जगह, जो PFI से जुड़े हुए कई लोग हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और केरला में बंद बुलाया। और दोस्तों, देखा गया कि इस बंद के दौरान कई जगह तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये जान लेते हैं कि PFI का आखिर बैकग्राउंड क्या है, क्या हिस्ट्री रही है PFI की, और ये PFI एक्चुअली है क्या, इसका पर्पस क्या है। दोस्तों, PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में केरला में हुई थी और इसे NDF का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बताया गया। NDF यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। दोस्तों, PFI क्लेम करता है कि ये पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है, ये संस्था ऐसी है जो इनके भले के लिए काम करती है। बट इसकी जो हिस्ट्री रही है PFI की, ये देखा गया कि ये बेसिकली इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के लिए सपोर्ट में काम करता है और उनके लिए बातें करता है। और जब CA और NRC के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन हुए थे, तो उस टाइम ये देखा गया था कि PFI बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। और जब उस टाइम कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि PFI ने इन धरनों को फंडिंग दी थी, खासकर शाहीन बाग और लखनऊ में, और जो UP में दंगे हुए थे उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें PFI का नाम आया और UP गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था उस बीच, और PFI को बैन करने की भी बात उस टाइम हुई थी। दोस्तों, PFI को जब इस्टेब्लिश किया गया था, जब बनाया गया था, तो उस टाइम सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती जिसको इंडिया में एक आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया था, उसको बैन कर दिया गया था। तो वहाँ के जो फाउंडर्स और जो मेंबर्स थे, ये बताया जाता है उन लोगों ने PFI को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया और वही लोग PFI को चला रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमी का ही एक बदला हुआ रूप है। सिमी को इंडिया ने बैन किया, गवर्नमेंट ने बैन किया, क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन था जो आतंकवादी घटनाएं कराता था इंडिया में और आतंकवादी लोगों को फंडिंग करता था, उसको बैन किया। तो उसी के मेंबर्स जो थे, जो पकड़े नहीं गए, वो लोगों ने फिर से एक नए संगठन के रूप में काम करना शुरू कर दिया और वो है PFI। इसलिए हमेशा PFI पे शुरू से ही एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई एक ये आतंकवादी संगठन है जो आतंकवाद को फंडिंग करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और दोस्तों, PFI पे हमेशा कुछ ना कुछ बवाल होता ही रहता है, इन पे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगता ही रहता है। इस पे सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगता है कि जो इसके अगेंस्ट में लोग बोलते हैं उनको ये मरवा देते हैं, और पॉलिटिकल मर्डर के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी ये जो NIA की छापेमारी जगह जगह चल रही है PFI पे, इससे एक चीज़ बाहर निकल के आई है इनडायरेक्टली, अभी पता चला है कि ये जो PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके कनेक्शन ISIS से हैं। ISIS आतंकी संगठन है, ये उसके लिए भर्तियां करता है मुस्लिम युवाओं की, उनको ट्रेनिंग देता है, उनके माइंड वॉश करता है, उनको ISI के लिए भर्ती के लिए तैयार करता है। और ISI इंडिया में कुछ प्लान कर रहा था कुछ बड़ा, उसके दो आतंकवादी अभी रिसेंटली पकड़े गए हैं साउथ इंडिया से। तो दोस्तों, PFI कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और इस पर कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ अभी सामने निकल कर आएगी, कुछ बड़ी फाइंडिंग जो है वो बाहर निकल के आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जा करके जो खासकर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं, वो ऐसे संगठनों से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।